दोस्तों स्वागत है आप सभी का टेक न्यूज के और काफी अच्छे से और फ्रेश एपिसोड में। और मैं लेकर आपके लिए काफी सारी कमाल कमाल की टेक न्यूज। तो इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नए हैं तो, और बेल आइकन को दबा दीजिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ वर्मा, आप देख रहे हैं टेक असुर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बात करें हमारी पहली टेक न्यूज की, तो वो कह सकते हैं गूगल तरफ से है, वो गूगल या साउथ कोरिया की तरफ से है। क्योंकि जैसे आपको पता है कि जैसे इंडिया के अंदर भी अभी सीन हुआ था कि मतलब केस किया गया, एंटी ट्रस्ट केस किया गया आपका गूगल के ऊपर। वही सब सीन आपको पता है कि 30% वाला जो सीन है कि 30% इन ऐप परचेज पे डालने वाले हैं ये, मतलब कि जो चार्जेस होंगे गूगल के। तो वही सीन अभी साउथ कोरिया में भी है। तो साउथ कोरिया जो है उन्होंने एंटी ट्रस्ट का एक कह सकते हैं इन्वेस्टिगेशन डाली है कि गूगल के ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया है कि ये बात सच है कि सच में 30% करने वाले हैं। जो भी इन ऐप परचेज होंगे उसका 30% चार्ज लगेगा, उसके ऊपर टैक्स लगेगा जो कि गूगल लेगा। तो इस चीज़ के ऊपर ये चीज़ें पता करने के लिए तो अभी ये सीन है, क्योंकि जो डेवलपर्स हैं वो डेवलपर्स ने खुद ही बोला है साउथ कोरिया से, जो भी गवर्नमेंट है, कि ऐसा सब सीन है। तो उस चीज़ को बोलने की वायलेशन होगा, ऐसा कुछ होता है तो वायलेशन होगा, जो उनका ट्रेड है उनके बीच में, जो भी उनका जो भी सारा सीन है उनके बीच में दिक्कत हो जाएगी। तो देखते हैं अभी क्या सीन होता है, गूगल करता है नहीं करता है, ऐसे नहीं करना चाहिए। फिर बात करें हमारी अगली टेक न्यूज़ की, तो कह सकते हैं वो जॉन प्रोसर ने दी है एप्पल न्यूज़ के बारे में। अभी लीक है आपका जो कि जॉन प्रोसर ने दी है, वो बोलते हैं कि जो एयर टैग्स हैं, आपको याद होगा मैंने कल ही वीडियो में बताया एयर टैग्स के बारे में कि वो लॉन्च हो सकते हैं इस इवेंट के अंदर भी। पर अभी जॉन प्रोसर बोल रहे हैं कि नहीं, अभी आने कल तो आने, मतलब कि कल कह रहा हूँ, मतलब कि जो इवेंट आ रहा है वाला 13 तारीख को, इसके अंदर तो आएंगे नहीं अभी, वो आपका 2021 के मार्च तक बिल्कुल नहीं आने वाले। मतलब कि अभी एप्पल का ही तैयार ही नहीं है, या कह सकते हैं एप्पल इसे लॉन्च नहीं करना चाहता अभी एयर टैग्स को। हो सकता है अभी कोई भी दिक्कत हो इसके अंदर, तो ये बोलते हैं कि 2021 मार्च तक अभी एयर टैग्स नहीं आएंगे। देखते हैं एप्पल कब क्या कर दे, वो तो पता चलेगा। दोस्तों फिर बात करें हमारी अगली टेक न्यूज़ की, तो कह सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट तरफ से, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, उनका स्टेटमेंट आया था पहले भी, जो बिल गेट्स उनका स्टेटमेंट आया था, जो आपको बता दिया था मैंने कि वो चाहते हैं कि जो उनका अभी जो उनका वर्क स्पेस है वो हाइब्रिड हो जाए, यानी कि जो उनका सारा तरीका वो काम करने का हाइब्रिड हो जाएगा, उसके अंदर सभी को आने की जरूरत नहीं है। मतलब अभी तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, पर फ्यूचर के अंदर भी वो हाइब्रिड होगा, यानी कि कुछ लोग आएंगे कुछ लोग नहीं आएंगे, कुछ लोग वर्क फ्रॉम होम ही रहेंगे। तो अभी उस चीज़ को अप्लाई कर दिया गया, जो उनका नया वर्क स्पेस आया उसके अकॉर्डिंग जो सभी जो आप कह सकते हैं एम्प्लॉयज हैं सभी नहीं आएंगे, उसमें से कुछ आपका परमानेंटली वर्क फ्रॉम होम ही काम करेंगे। काफ़ी अच्छी चीज़ें से काफ़ी सारी एनर्जी सेव होती है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें काफ़ी फायदे हैं इसके अंदर। और जो बाकी के बचे हुए हैं उनका भी मतलब कि ऐसा कुछ नहीं है कि उन्हें परमानेंटली आना ही आना है, पूरा वीक आना है उन्हें, वो कुछ काम अपना घर से भी कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है ये, इसे प्रमोट करना चाहिए, वर्क फ्रॉम होम वाला सीन काफ़ी अच्छा है। बाकी देखते हैं बाकी कंपनी कैसे कैसे करती है। बात करें हमारी अगली टेक न्यूज़ की, तो कह सकते हैं या तो ट्विटर की तरफ से या कह लो कि आपका जो विकास गुप्ता की तरफ से, जो कि आपका कंटेस्टेंट थे बिग बॉस सीजन 11 के, अभी उनके अकाउंट के साथ कुछ अजीब चीज़ हुई। उन्होंने कह सकते हैं जो लेट सुशांत सिंह राजपूत है उनके लिए कि जस्टिस चाहिए, या फिर जो भी ऐसा सीन है कोई ट्वीट किया होगा, या बोल सकते हैं कि पूछा कि मतलब कब तक ये सही सीन होना है, मतलब कब उन्हें कह सकते हैं सच का पता चलेगा, या जो भी सीन होगा कुछ ऐसा ट्वीट किया होगा। तो उस चीज़ के चलते जो ट्विटर है, ट्विटर ने उनका अकाउंट टेम्परेरली आपका बैन कर दिया, कह सकते हैं आपका बंद कर दिया, वो लॉग इन नहीं कर पा रहे थे। उन्हें लॉग इन करने के लिए अपनी कह सकते हैं डिटेल्स देनी पड़ी, उन्होंने खुद से बताया उन्होंने कि मुझे अपने अकाउंट के अंदर लॉग इन करने के लिए डिटेल्स देनी पड़ी, अपनी प्रूफ करना पड़ा कि हाँ मैं ही अपने अकाउंट में लॉग इन कर रहा हूँ या मेरा ही अकाउंट है और मेरा अकाउंट कह सकते हैं जेन्युइन है, क्योंकि उनके अकाउंट वेरीफाइड है। वो बोले कि मतलब अगर ऐसी चीज डालने की वजह से मुझे अप्रूव करना पड़ता है तो मतलब ये क्या है, मतलब वही क्वेश्चनिंग की है अभी जो भी सीन है ट्विटर का पता नहीं। फिर बात करें हमारी अगली टेक न्यूज़ की, तो कह सकते हैं पाकिस्तान तरफ से, पाकिस्तान तरफ से जो टिकटॉक है वो बैन हो चुका है, यानी पाकिस्तान के अंदर भी जो टिकटॉक है वो बैन हो चुका है। अभी पहले भी न्यूज़ आई थी कि मतलब और भी एप्लीकेशन को टेम्परेली बैन की थी, जैसे आपका टिंडर टेम्परेली बैन किया था और शायद टिकटॉक का भी कुछ सीन था, पर अभी परमानेंटली आपका टिकटॉक बैन कर दिया पाकिस्तान ने भी। और जो रीजन दिए हैं कि मतलब बोलते हैं जो कंटेंट है वो इमोरल है और आपका कह सकते हैं इनडिसेंट कंटेंट है इस टिकटॉक के ऊपर। तो मतलब जो भी सीन अभी रीजन इन्होंने दिए, इंडिया के अंदर जो रीजन था वो आपका सिक्योरिटी रीजन था, सिक्योरिटी की वजह से इसे बैन किया गया था टिकटॉक को, पाकिस्तान ने भी कर दिया है। और जो भी सीन है अभी सब जगह से हो जाना चाहिए, अगर ऐसा ही सीन है तो मैं तो खिलाफ। बात करें हमारी अगली टेक न्यूज़ की, तो कह सकते हैं वो गूगल की तरफ से भी, गूगल का जो गूगल डुओ है वीडियो कॉलिंग एप्लीकेशन है जो इसकी,
उसको एक नया अपडेट मिला, एक नया फीचर मिला है जिसकी हेल्प से अभी जो गूगल डुओ के ऊपर आप वीडियो कॉलिंग के टाइम पे आपका स्क्रीन शेयर कर सकते हैं जैसे बाकी एप्लीकेशन के अंदर होता है। पर अभी आपको याद होगा मैंने पहले बताया था कि मतलब इसके ऊपर ना कह सकते हैं इसे बंद करने वाले थे, कह सकते हैं मर्ज करने वाले थे गूगल मीट के साथ। पता नहीं वो सीन कहाँ चला गया गूगल का कि इसे क्या करने वाले थे। फिलहाल के लिए इसमें नया अपडेट आया, नया फीचर आया, जो भी आप लोग गूगल डुओ यूज करते हैं वीडियो कॉलिंग के लिए अभी आप लोग स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, कंटेंट शेयर कर सकते हैं। बढ़िया है फीचर तो, पर देखते हैं क्या होता है। फिर बात करें हमारी अगली टेक न्यूज की, तो कह सकते हैं वो एप्पल तरफ से अभी एप्पल के कुछ ऑफर्स के बारे में। जैसे मान लीजिए आपको अगर नहीं पता तो जो एप्पल की खुद की वेबसाइट होती है, ऑफिशियल वेबसाइट होती है या स्टोर्स होते हैं तो उनके ऊपर भी ऑफर्स आते हैं। जैसे ऐसे फेस्टिवल आते हैं तो फेस्टिवल ऑफर वहां पर भी होते हैं। तो जो इंडिया के अंदर भी जो फेस्टिवल मतलब कि जो इंडिया के अंदर फेस्टिवल आ रहा है, अभी दिवाली आ रही है, तो इसी के चलते जो इंडियन जो वेबसाइट है एप्पल की ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर आपको अभी ऑफर देखने को मिलेगा 17 तारीख से। यानी कि अभी जो ऑफर निकल गया है उसके अकॉर्डिंग अगर आप लोग आईफोन 11 खरीदते हैं तो उसके ऊपर अच्छा खासा आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा। जो आपका ये लॉन्च हुआ था आपका 75,000 का लॉन्च हुआ था इंडिया के अंदर, पर अभी प्राइसिंग इसी काफी कम है और भी इसे कम कर दिया आपका एप्पल ने। जो ऑफर है उसके अकॉर्डिंग आपको ये 53,400 का मिल जाएगा एप्पल के ऑनलाइन स्टोर के ऊपर। प्लस आपको 53 तो देने ही है, प्लस उसके साथ साथ आपको जो एयरपॉड्स 2 हैं जो कि आपका लगभग 14,000 14,900 14,500 इतने ही मिलते हैं हर जगह पर, 14,000 मान के चलते हैं, तब भी आपको 14,000 की एयरपॉड्स प्रो सॉरी एयरपॉड्स 2 आपको फ्री मिलेंगे इसके साथ। यानी कि आपका इसी में आप इसे ऐड कर लीजिए अभी, एयरपॉड्स की प्राइसिंग उसको कम कर लीजिए क्योंकि जो एयरपॉड्स की प्राइसिंग है कभी भी कम नहीं जाती, 500-600 रुपये हो सकता है कम मिल जाए, इससे कम नहीं मिलता। तो आप 13,500 के आसपास लगा लीजिए, इसमें से इसे माइनस कर लीजिए तो लगभग आपको 41-42 हज़ार का मिल जाएगा, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि 75,000 का फोन 42,000 मिल रहा है। 64 GB यानी कि आपका स्टार्टिंग वेरियंट है, आप लोग खरीद सकते हैं 17 तारीख को अगर आपको इंटरेस्टेड है आप 11 में तो मिल जाएगा आपको। दोस्तों फिर बात करें हमारी अगली टेक न्यूज की, तो वो रियलमी भाई साहब की तरफ से। हमारे जो रियलमी भाई साहब हैं फिर से टेक न्यूज में हैं क्योंकि उनकी जो Q2 सीरीज है वो अभी कह सकते हैं कंफर्मेशन ही मानिए कि इसे कि अभी अनवील कर दिया है रियलमी ने खुद ही कि आपका जो ये आने वाला है अभी रियलमी की Q2 सीरीज वो आपकी 13 तारीख को आने वाली है। यानी लॉन्च इवेंट 13 तारीख को है, जिसको ज्वाइन करना हो एप्पल का छोड़ के इनका कर सकते हैं, वैसे टाइमिंग अलग अलग हो वैसे तो, और अगर साथ भी हुई तो फिर भी एप्पल का ही करोगे अगर आप फैन नहीं हो रियलमी के। तो जो रियलमी का इवेंट है इसके अंदर आपका Q2 सीरीज को अनवील किया जाएगा। देखते हैं स्मार्टफोन कैसे होते हैं, कैसी प्राइसिंग के साथ आते हैं, कैसे फीचर के साथ आते हैं। बाकी हाँ इनका भी अभी कंफर्म हो गया है Q2 सीरीज का भी, देखते हैं स्मार्टफोन कैसे होते हैं। दोस्तों फिर बात करें हमारी अगली टेक न्यूज की, तो कह सकते हैं वो रेडमी की तरफ से भी। रेडमी का जो नोट 10 है, अभी रेडमी का नोट 10 बोल लीजिए, रेडमी का 10i बोल लीजिए, एक ही बात है, रीब्रांड करके लेके आते हैं ये। तो जो नोट 10 आपका लॉन्च होने वाला है वो बोल रहे हैं अभी, मतलब कि जो बताया जा रहा है कि लॉन्च डेट इसी महीने हो सकती है, इसकी लॉन्च भी इसी महीने हो सकती है। आपको इंडिया के अंदर नोट 10 आपको इसी महीने देखने को मिल सकता है, प्लस इसके अंदर आपको 108 मेगापिक्सल का कैमरा भी देखने को मिल सकता है। मतलब रूमर्स हैं बता रहे हैं, वैसे हो भी सकता है कोई बड़ी बात नहीं, 108 मेगापिक्सल कैमरा लेके आ जाएंगे। प्राइसिंग तो काफी ठीक होगी वैसे, इसके बजट में होगा, पर हाँ देखते हैं फोन कैसा होता है। दोस्तों बात करें इसकी हमारी आखिरी टेक न्यूज की, तो वो बहुत अच्छी सी आपके लिए न्यूज है, बहुत खुशखबरी वाली है क्योंकि अभी सेल तो आ ही रही है, सबकी सेल आ रही है, आपका रियलमी की सेल आ रही है, आपका एप्पल की भी आ गई, अभी अमेजोन की आ रही है, फ्लिपकार्ट की आ रही है। तो आपका स्नैपडील ने बोला हम क्यों पीछे रहे, जैसे स्नैपडील के मतलब सेल आ रही है बता देता हूँ आपको मैं, कम में दम नाम से इसकी सेल है, मतलब कि सबका अलग अलग है, बिग बिलियन डेज और जो भी है, तो इसका है कम में दम, अभी इनकी सेल आ रही है आपका। ये भी इनकी जो सेल है वो 16 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी स्नैपडील की भी, अमेजोन की आपका 17 से है, फ्लिपकार्ट की 16 से है, इसकी भी 16 से है, रियलमी की शायद 16 या 17 से ही है। तो अभी सबकी सेल स्टार्ट हो रही है। अभी देखिए मेरा क्या मानना है कि मतलब तो ये कंपनी है जो अलग अलग जाइंट्स हैं, ये इनकी खुद की लड़ाई टाइप मान लो, ये कह सकते हैं कि हमारे कस्टमर हमारे पास आने चाहिए, हमारे पास आने चाहिए। फायदा इसमें कस्टमर्स को होता है, काफी अच्छे खासे ऑफर मिल जाते हैं इन्हें, सबको काफी अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है, काफी सारी चीजें खरीद सकते हैं फेस्टिवल टाइम में, काफी अच्छा इनकी सेल भी है। देखते हैं क्या क्या प्रोडक्ट्स किस प्राइसिंग पे लेके आते हैं। बढ़िया, तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको सारी सारी टेक्निक्स काफी अच्छी लगी होंगी, एक और खुशखबरी मिल गई है आपका सेल वाली। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं मिलता हूँ आप सब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, गुड बाय।